नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। सबसे पहले आज अपने यूट्यूब परिवार का मैं हृदय से आभार करती हूं, क्योंकि आज ये परिवार 50,000 का हो गया है। आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूं कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं। ये एक मेरा परिवार जैसा बनता चला जा रहा है, और आप लोग विश्वास करें या ना करें, जो व्यक्ति भी मुझसे जुड़ रहा है वो मेरी सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाता है। क्योंकि जब मैं ये कहती हूं सुबह कि मेरे परिवार का भला हो, आप लोग उसमें सब शामिल होते हैं। तो आप सभी का मुझसे जुड़ने का आभार। आज बात होगी, आज के वीडियो पर आ जाते हैं, आज बात होगी आपसे हंस महापुरुष योग के विषय में। हंस महापुरुष योग का निर्माण बृहस्पति द्वारा किया जाता है। 5 महापुरुष योग होते हैं, उनमें से शश और मालव्य पर बात कर चुकी हूं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इनके भी लिंक मैं दे दूंगी। आज बात हो रही है हंस की। इसको बनाते हैं बृहस्पति ग्रह। कैसे बनाते हैं, कैसे आपको इस योग को देखना और पढ़ना चाहिए, और उसके बाद अपनी कुंडली में, अपने मित्रों की कुंडली में कैसे खोजें और इसके प्रभाव कैसे समझें। तो इसकी जो पहली शर्त है, ठीक है, इस योग को बनने का जो पहला पैरामीटर है, जो पहली शर्त है, वो ये कि बृहस्पति को आपकी कुंडली में लग्न से जो 4 केंद्र होते हैं, 1, 4, 7, 10, लग्न, चौथा घर, सातवां घर, दसवां घर, इनमें अगर बृहस्पति की उपस्थित है और बृहस्पति उच्च के हैं या अपने घर में है, मतलब या कर्क राशि में है या धनु और मीन राशि में है, तो आपकी कुंडली में हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। इसकी दूसरी जो शर्त है या जो दूसरा पैरामीटर है वो ये है कि अगर लग्न से नहीं है, चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र स्थानों में है, चंद्रमा से बृहस्पति 1, 4, 7, 10 में है, तो भी इस योग का निर्माण माना जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष में चंद्र कुंडली की बड़ी महत्ता है। तो या तो लग्न से हो, देखिए सबसे ज्यादा जो प्रभावी है वो लग्न से है, लेकिन बृहस्पति जब चंद्रमा से केंद्र स्थान में होता है तो आप सब जानते हैं गज केसरी नामक योग का निर्माण करता है। तो कुछ विद्वान और मैं भी ये मानती हूं कि चंद्रमा से भी बृहस्पति की स्थिति अगर केंद्र स्थान में है तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, और अगर आपकी कुंडली में लग्न से 1, 4, 7, 10 में है तो हंस योग का निर्माण हो रहा है। ये महापुरुष योग है। सो थोड़ा सा चर्चा मैं गज केसरी की भी कर दूंगी, क्योंकि इसके लिए फिर अलग से वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया है। तो अगर आपकी कुंडली में ये शर्त है तो आप जान लीजिए कि आप बृहस्पति के द्वारा ब्लेस्ड हैं। बृहस्पति ने आपको ब्लेस्ड कर रखा है। अगर मैं बृहस्पति ग्रह की बात करूं तो बृहस्पति ग्रह आकाश का तत्व है उसके पास, मतलब बृहस्पति के पास देने की क्षमता असीमित है, अनंत है, आकाश जैसी है, अबंडेंस जिसको आप कहते हैं, बहुतायत में दे सकते हैं गुरु। और एक बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया कि अगर लग्नस्थ बृहस्पति हैं तो कुंडली के 125 दोषों का नाश कर देते हैं, ये पाराशर जी महाराज ने कहा है। इसीलिए क्योंकि बृहस्पति के पास आपकी कुंडली के 6 से 7 भावों के कारकत्व हैं। अगर एक बृहस्पति अच्छा है तो आपकी बुद्धि अच्छी है, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके पति अच्छे हैं, आपका शरीर अच्छा है, आपकी बुद्धि अच्छी है, आपकी नौकरी चाकरी अच्छी है, आपका ध्यान और पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान लग सकता है। यानी कि एक बृहस्पति आपके जीवन में बहुतायत से आपको ब्लेस कर सकता है। तो ये जो हंस महापुरुष योग है, इसमें पैदा लोग
हमारे ये जो चार केंद्र होते हैं इनको हम विष्णु स्थान कहते हैं। अगर विष्णु स्थानों में बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफी धीर, गंभीर, बुद्धिमान और सुंदर भी होते हैं। इनका जो रूप स्वरूप होता है वो मतलब चमकता हुआ होता है। बृहस्पति जीव कारक भी है। ऐसे लोगों में रोग से लड़ने की शक्ति भी अच्छी होती है। अपने क्षेत्र में माहिर हो जाते हैं, अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कर लेते हैं। क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं? आप मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, आप लॉ से रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकते हैं। आप अगर इसका राहु मंगल से कहीं कोई कनेक्शन बन रहा हो तो फिर आप इंजीनियरिंग वगैरह में भी हो सकते हैं, उच्च पदों पर मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड ऊंचे पदों पर हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, धार्मिक गुरु हो सकते हैं, प्रवचनकर्ता हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं। बहुत सारे कामों की राह आपके लिए ये बृहस्पति खोल देता है। और आपका ये निश्चित है कि आप अपनी फील्ड में नाम अवश्य कमाएंगे। किस लेवल का नाम कमाएंगे आज ये भी समझाऊंगी आपको कि आप देखते हैं कि आपका बृहस्पति लग्न में है, कर्क में है, उच्च का है और आप लोगों को समझ आ जाता है कि भाई हाँ मेरा भी हंस योग है। लेकिन आज मैं ये समझाऊंगी आपको कि हंस योग एग्जैक्टली कब बनता है। अगर उसके बाद की डिग्रीज में बृहस्पति है तो इतना असर नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि ये आपकी पर्सनालिटी होगी, ये आपका कार्य व्यवसाय होगा, जीवन में आपके पास इन जनरल धन की अधिकता होगी क्योंकि बृहस्पति धन का बहुत बड़ा कारक ग्रह है। पर क्योंकि अगर उच्च का है या अपनी राशि में है तो आप धन का सदुपयोग करते होंगे, धर्म के लिए भी आप अपने धन का प्रयोग करेंगे, ऐसा भी मैंने देखा है। पर अगर बृहस्पति लग्न में अकेले होते हैं, ना उनके आसपास कोई हो, ना उन पर किसी की दृष्टि हो, तो मैं हमेशा कहती हूं कि ऐसे लोग काफी स्वार्थी होते हैं। आप प्रगति अवश्य करते हैं लेकिन आपका फिर हृदय थोड़ा सा संकुचित हो जाता है, आप देने में बहुत विश्वास नहीं करते। ये बृहस्पति ग्रह के लिए बात कर रही हूं मैं। आप लोगों का काम है कि खोजिए कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। तो बृहस्पति का लग्न में होना अपनी राशि या फिर उच्च में हंस नामक राजयोग बनाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़े से स्वार्थी होते हैं। अगर चौथे घर में बृहस्पति विराजमान होंगे अपनी राशि या उच्च की राशि में, तो आप एक बहुत बेहतर, बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेंगे। आप अपनी मां को अपना गुरु मान सकते हैं। आपकी मां एक स्पिरिचुअल लेडी हो सकती है, पायस वुमेन हो सकती है। आपके चौथे घर में अगर बृहस्पति ये योग बना रहे हैं तो आपकी कुंडली की वजह से आपकी मां का ओहदा बहुत ऊपर हो सकता है। आपके लिए तो अच्छा होगा ही, आपके पास उच्च श्रेणी के वाहन होंगे, घर में बहुत लविश हाउस होगा, एसेट्स होंगे, पर आपकी मां का दर्जा भी बढ़ेगा। अगर आपके सातवें घर में ये योग बन रहा है तो आपकी बृहस्पति की डिग्रीज पर डिपेंड करेगा, बट अदरवाइज आपके अंदर काम की भावना ज्यादा हो सकती है क्योंकि बृहस्पति अबंडेंस दे रहा है। काम स्थान में होगा तो काम की ही अधिकता देगा, पर हां आपका व्यापार, कार्य में वृद्धि, करियर में प्रोग्रेशन ये भी बहुत देगा। और यहां बैठकर क्योंकि लग्न को देखेगा तो आपका नाम, मान सम्मान, पुरस्कार भी दिल पाएगा। सातवें घर में अगर ये योग बनता है तो रुपए पैसे के लिए भी अच्छा है, कार्य व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बात होगी कि अगर ये योग दसवें घर में बनता है, दसवीं घर में अगर यह योग बनता है तो ऐसे लोगों को मैंने धर्म से, राजनीति से जुड़ा हुआ बहुत देखा है अपने एक्सपीरियंस में। आप स्पिरिचुअल लीडर हो जाते हैं, आप राजनीति में बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी ओहदों पर हो सकते हैं, आपकी जनता पर पकड़ बहुत मजबूत हो सकती है।
अगर ऐसी स्थिति में कहीं बुध की भी अच्छी प्लेसमेंट हो तो आपके पास गजब की एक लोगों को आकर्षित करने की एक क्षमता होती है। आप एक बहुत पॉपुलर लीडर बन सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी के आप सीनियर पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। यानी कि ये सब बातें ये हंस महापुरुष योग देता है, लेकिन शर्त यह है कि बृहस्पति को अकेला होना चाहिए। अगर इस पर किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है तो वो शुभ ग्रह हो तो अच्छा। क्रूर ग्रहों की दृष्टि, क्रूर ग्रहों से घिरा हुआ पाप कर्त्री में आता हुआ बृहस्पति इस योग को भंग कर देगा और इस योग के फायदे आप अपनी जिंदगी में नहीं देख पाएंगे। योग जब बनते हैं तो उनका पूरा होना बहुत जरूरी होता है। राहु केतु की एक्सिस में आ गया और आप कह रहे आपका तो राजयोग है, सब कुछ होगा, पर एक शेडो तो उस राजयोग पर पड़ ही जाएगी, मतलब प्रभाव कम हो जाता। ये जरूर देखिएगा। अब आज एक बात और होगी कि मैं एक उदाहरण बस दूंगी, मतलब अगर बृहस्पति कर्क राशि में है आपके लग्न चौथे सातवें दसवें कहीं भी, लेकिन अगर आपके कर्क राशि उच्च के बृहस्पति हैं तो एक बात ध्यान कर लीजिए कि बृहस्पति की जो उच्चता है कर्क राशि में वो पुष्य नक्षत्र में मानी गई है, क्योंकि कर्क राशि में तीन नक्षत्र होते हैं। पुनर्वसु का एक चरण है, चार चरण पुष्य के हैं और उसके बाद चार चरण आश्लेषा के हैं। तो पुनर्वसु में अपने भी नक्षत्र में यानी 3 डिग्री 20 मिनट तक भी वो एग्जाल्टेड नहीं है। बृहस्पति का एग्जाल्टेशन शुरू होता है 3 डिग्री 20 मिनट के बाद अगर कर्क राशि में आपके बृहस्पति हैं, और फिर वहां से 16 डिग्री 40 मिनट तक अगर उनकी डिग्री है तो आपके उच्च के बृहस्पति हैं और आप उनका प्रभाव जबरदस्त देखेंगे। इसमें भी जो सर्वोच्च अंश है उनका वो 5 डिग्री का है। आज आपको एक बारीक बात समझा देती हूं। हमारे नक्षत्रों के ये जो चार पद होते हैं ना, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को दिखाते हैं। हमारे ये जो चार पुरुषार्थ हैं उनको दिखाते हैं नक्षत्र के चरण। अब बृहस्पति आप देख लीजिए कि परमोच्च इनको माना गया है पुष्य नक्षत्र में 5 डिग्री पर, यानी कि जो धर्म का पद है यानी 3 डिग्री 20 मिनट से 6:40 का जो पद है, चरण है, वो धर्म त्रिकोण है या धर्म का पुरुषार्थ है। यहां बृहस्पति को सर्वोच्च मान्यता दी गई, परमोच्च अंश दिया गया है। शनि के नक्षत्र में धर्म के चरणों में बृहस्पति उच्च के होते हैं। जब आपके अंदर धैर्य होता है, जब आपके अंदर काम को करने की जिजीविषा होती है, पृथ्वी से जुड़े हुए आप रहते हैं, यानी शनि के नक्षत्र में है ना बृहस्पति, और उसके बाद धर्म में बृहस्पति जाकर बैठता है, यानी कि डीप एग्जाल्टेशन माना जाता है। और अगर कर्क राशि को समझना चाहते हैं तो काल पुरुष में ये हृदय का स्थान है, यानी जिसके हृदय में धर्म होगा उसी का बृहस्पति परमोच्च अंश का होगा। हृदय में धर्म के चरण में बृहस्पति जो है उच्च के होते हैं। तो आपके लिए एक बात है कि 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में अगर बृहस्पति हैं, तब ही हंस नामक महापुरुष योग आपकी कुंडली में ज्यादा फलित होगा, उसके बाद उसके फल काफी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को समझ आता है ना कि उसका है वो, उसके पास बहुत पैसा है, मेरा है, मेरे पास नहीं है, ग्रह की बारीकियों को समझना होगा। बस ज्योतिष में यही एक चीज है कि लोग बारीकी नहीं समझते हैं, जनरल प्रिडिक्शंस पूछते हैं और फिर ज्योतिष को गलत कहते हैं। एक ही ग्रह किस स्थिति में है, वो कैसे फल देगा, आप नहीं समझ सकते। तो
ठीक है, बट मोटा मोटा अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में ऐसे हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य होगा। अब चंद्र से अगर बृहस्पति केंद्र स्थानों में है तो ये गज केसरी योग बनाते हैं। ये भी एक बहुत प्रबल और अच्छा योग मैं मानती हूं, क्योंकि मन के केंद्र में चंद्रमा मन है, मन के केंद्र में अगर बृहस्पति आ जाएंगे तो हमारा जो जीवन है वो अच्छा होगा। हम राइटियसनेस पर चलने वाले होंगे, हम बहुत परिश्रमी होंगे, चीजों को पाने के लिए हमारे अंदर एक जुझारूपन होगा, क्योंकि हमारा मन ना ज्यादा पाने में लगेगा। इसीलिए गजकेसरी योग को भी बहुत महत्ता दी गई है। अगर लग्न से है तो हंस योग है, चंद्रमा से है तो गजकेसरी योग है। प्रभाव लगभग एक जैसे ही है जो मैंने अभी आपको समझाए। अपनी कुंडलियों में देखिए, बारीकी से देखिए, अपने मित्रों में देखिए और पहचानिए कि क्या अंतर हो रहा है। एक ही राशि में बैठे हुए बृहस्पति कितने अलग अलग फल दे रहे हैं, इसको समझिए। आशा करती हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। अगर आती हैं तो मेरे चैनल को, अपने वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।